हेलो स्टूडेंट्स, आज जूलॉजी क्लास में हम पढ़ेंगे क्लेवेज यानी कि विदलन, उनके प्लेन्स और पैटर्न्स। सबसे पहले तो देखते हैं विदलन यानी कि क्लेवेज होता क्या है। द टर्म क्लेवेज रेफर्स टू अ सीरीज ऑफ रैपिड माइटोटिक डिवीजन ऑफ द जायगोट फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन फॉर्मिंग मैनी सेल स्ट्रक्चर। एक कोशिकीय निषेचित अंड से बहुकोशिकीय भ्रूण में होने वाले जो विभाजन हैं, उन विभाजन क्रिया को हम विदलन या क्लेवेज कहते हैं, और इसके फलस्वरूप जो बनने वाला एक बहुकोशिकीय भ्रूण होता है या संरचना होती है, उसे हम ब्लास्टुला कहते हैं। द क्लेवेज फॉलोज फर्टिलाइजेशन। क्लेवेज जो है वो फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन के जस्ट बाद में होने वाली प्रक्रिया है, एंड एंड्स विद द फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक डेवलपमेंटल स्टेज विच इज कॉल्ड एज ब्लास्टुला। और इसके पश्चात जो बनने वाली संरचना होती है उसे हम ब्लास्टुला कहते हैं। क्लेवेज जो है वो नॉर्मल माइटोसिस डिविजन से किस प्रकार से भिन्न है, यानी विदलन की जो प्रक्रिया है वो एक तरीके से विभाजन की प्रक्रिया है, जो कि समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोटिक डिवीजन के समरूप मानी जाती है। लेकिन माइटोसिस या समसूत्री विभाजन से ये किस प्रकार से भिन्न होती है। द क्लेवेज डिवीजन आर नो डाउट माइटोटिक एज दे प्रोड्यूस डिप्लॉयड सेल्स, क्योंकि बनने वाली जो कोशिकाएं होती है वह भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रखती है। दे डिफर फ्रॉम टिपिकल माइटोसिस इन कपल ऑफ सिग्निफिकेंट पॉइंट। कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पर माइटोसिस और क्लेवेज को एक दूसरे से सेपरेट कंसिडर किया जा सकता है। पहला इसका पॉइंट है द साइट ऑफ अकरेंस। समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस जो है वो नॉर्मल सोमेटिक कोशिकाओं यानी कि सोमेटिक सेल्स के अंदर होता है, जबकि क्लेवेज की क्रिया जो है वो जायगोट के अंदर की जाती है। इंटरफेज जो है वो क्लेवेज के अंदर बहुत छोटी यानी कि शॉर्टर पीरियड की होती है, जबकि नॉर्मल माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन के अंदर इंटरफेज लंबी होती है। ग्रोथ, क्लेवेज के दौरान जो बनने वाली कोशिकाएं हैं उनके अंदर ग्रोथ यानी कि वृद्धि बिल्कुल नहीं होती है या बिल्कुल न के बराबर होती है, नगण्य होती है, जबकि नॉर्मल माइटोसिस के अंदर इंटरफेज के दौरान ग्रोथ या वृद्धि अवस्था को देखा जाता है। ऑक्सीजन कंजप्शन क्लेवेज के दौरान वेरी हाई होता है या हाई या रैपिड प्रोसेस है क्लेवेज जो है, जबकि नॉर्मल माइटोसिस के अंदर ऑक्सीजन कंसप्शन कंपैरेटिवली लो होता है, यानी कि ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन कम होता है, क्योंकि एक बहुत तीव्र गति से होने वाली क्रिया है विदलन की क्रिया, तो उसके दौरान ऑक्सीजन की आवश्यकता अधिक होती है, इसलिए ऑक्सीजन कंजप्शन जो है वो इसमें एक ज़्यादा होता है या अधिक होता है। डॉटर सेल का जो साइज है क्लेवेज के दौरान धीरे धीरे हर एक विभाजन के दौरान छोटा होता जाता है। हर एक बनने वाली कोशिका अपनी मातृ कोशिका यानी कि मैटरनल सेल से कंपैरेटिवली आधी होती है, यानी कि साइज जो है वो छोटा होता है, जबकि नॉर्मल माइटोसिस के दौरान कोशिकाओं का साइज जो है वो लगभग समान रहता है। इट रिमेन सेम आफ्टर ग्रोथ। द डीएनए सिंथेसिस इज कंपैरेटिवली फास्टर इन क्लेवेज। विदलन के अंदर डीएनए का निर्माण बहुत तेजी से होता है, जबकि माइटोसिस के अंदर ये स्लो प्रोसेस के द्वारा होता है। न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशो क्लेवेज के दौरान हर बार इंक्रीज होता जाता है, जबकि माइटोसिस के अंदर इट रिमेन सेम। अब हम देखते हैं विदलन के प्लेन्स यानी कि क्लेवेज या विदलन के तल कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं तल होता क्या है या प्लेन होता क्या है। द क्लेवेज इज इनिशिएटेड बाय अपीयरेंस ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन और ग्रूव कॉल्ड क्लेवेज फरो। क्लेवेज के दौरान एक जो विभाजन होता है कोशिकाओं के अंदर विभाजन होता है, उसे हम कॉन्स्ट्रिक्शन ग्रूव को उस कॉन्स्ट्रिक्शन या ग्रूव को हम क्लेवेज फरो बोलते हैं। क्लेवेज फरो जो है वो एग को डिफरेंट एंगल्स या प्लेन के ऊपर डिवाइड करती है। अगर हम क्लेवेज के दौरान देखते हैं तो मुख्यतः चार प्रकार के तल देखे जाते हैं। इस प्रोसेस को समझने से पहले हम एक मुख्य बात समझेंगे। यहाँ पर किसी भी एग के अंदर मुख्यतः दो पोल पाए जाते हैं या दो ध्रुव पाए जाते हैं, द एनिमल पोल एंड द वेजिटल पोल।
एनिमल पोल वह पोल होता है या जंतु का सक्रिय ध्रुव होता है जहाँ पर कि केंद्रक की उपस्थिति होती है, जबकि वेजिटल पोल वह पोल होता है जहाँ पे योक यानी कि पितक की उपस्थिति होती है। तो ये दो मुख्य रूप से ध्रुव पाए जाते हैं, और इन्हीं को विभाजन करने के दौरान जो फरोज बनती हैं या क्लविश फरो बनती हैं, उन्हें हम उनके बेसिस पे हम चार प्रकार के तल या प्लेन्स को ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहला जो तल है उसे हम मेरिडाइनल प्लेन कहते हैं। जब क्लिवेज की फरो जंतु के एग को एनिमल पोल और वेजिटल पोल के एक्सिस पर डिवाइड करती है, व्हेन द क्लिवेज फरो बाइसेक्ट बोथ द पोल्स ऑफ द एग पासिंग थ्रू द एनिमल वेजिटल एक्सिस, द प्लेन ऑफ क्लिवेज इज कॉल्ड एज मेरिडाइनल प्लेन। अगर पास करने वाली फरो क्लिवेज की जो फरो है वो जंतु के अंडे को एनिमल पोल से वेजिटल पोल की ओर विभाजित करती है बिल्कुल बीच में से होते हुए, तो इस प्रकार की जो हमारे विभाजन प्रक्रिया होती है उसे हम मेरिडाइनल प्लेन ऑफ क्लिवेज कहते हैं। दूसरा हमारा क्लिवेज का जो प्लेन होता है उसे हम वर्टिकल प्लेन कहते हैं। वर्टिकल प्लेन जो है वो मेरिडाइनल प्लेन की तरह ही होता है कि यानी कि जो क्लिवेज फरो होती है इट पासिस फ्रॉम द एनिमल पोल टू द वेजिटल पोल, बट इट डज नॉट पासिस थ्रू द मीडियन एक्सिस, बिल्कुल सेंटर में से होकर के या मीडियन एक्सिस में से होकर के पास नहीं होती है। इस प्रकार के विभाजन के तल को हम वर्टिकल प्लेन कहते हैं। यानी कि विभाजन का तल एनिमल पोल टू वेजिटल पोल तो है, किंतु विभाजन जो है वो अंडे को दो समान भागों में विभाजित नहीं कर रहा है, या तो वो इस तरफ से होगा या फिर वो इस तरफ से होगा। इस प्रकार की प्लेन को हम वर्टिकल प्लेन कहते हैं। तीसरे प्रकार का जो प्लेन ऑफ क्लिवेज होता है उसे हम इक्वेटोरियल प्लेन कहते हैं। व्हेन क्लिवेज फरो बाइसेक्ट द एग एट द राइट एंगल टू द मीडियन एक्सिस, मीडियन एक्सिस के राइट एंगल पर यानी कि एनिमल पोल और वेजिटल पोल के बिल्कुल राइट एंगल पर अगर क्लिवेज का प्लेन बनता है या क्लिवेज फरो एग को दो भागों में विभाजित करती है, तो इसे हम इक्वेटोरियल प्लेन कहते हैं। ये जंतु का एनिमल पोल और वेजिटल पोल है। अगर क्लिवेज की जो फरो है वो इस तरीके से बनती है तो इसे हम इक्वेटोरियल प्लेन कहते हैं। दिस इज द इक्वेटोरियल प्लेन। चौथा विभाजन का जो तल होता है उसे हम लेटिट्यूडिनल या ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल प्लेन कहते हैं। ट्रांसवर्स प्लेन जो है वो इक्वेटोरियल प्लेन को रिजेंबल करता है, बट इट पासिस इधर अबव और बिलो ऑफ द इक्वेटर ऑफ द एग। जो एग का इक्वेटर है उसके या तो ऊपर से जाता है या फिर वो नीचे से जाता है। इस प्रकार के प्लेन को हम लैटिट्यूडिनल प्लेन कहते हैं। क्लेवेज के जो प्लेन्स होते हैं ये अंडे के अंदर उपस्थित योक की मात्रा यानी कि पितक की मात्रा के ऊपर निर्भर करते हैं। उसके बाद हम आते हैं पैटर्न्स ऑफ क्लेवेज। क्लिवेज फरो बनने के बाद में या फिर विभाजन होने के पश्चात जो भ्रूण का स्वरूप सामने आता है उसे हम पैटर्न्स ऑफ क्लिवेज कहते हैं, यानी कि क्लिवेज का प्रतिरूप कहते हैं। ड्यूरिंग सेगमेंटेशन द क्लिवेज फरो आर नॉट फॉर्म एट रेंडम बट आर ओरिएंटेड इन अ पर्टिकुलर मैनर विद रेफरेंस टू द मेन एनिमल वेजिटल एक्सिस ऑफ द एग। एनिमल वेजिटल एक्सिस के एग का जो एनिमल वेजिटल एक्सिस है उसके पर्टिकुलर मैनर के ऊपर ही क्लिवेज का फरो बनता है, और ये हर एक स्पीसीज के लिए एक कांस्टेंट पैटर्न होता है, लेकिन डिफरेंट स्पीसीज के अंदर जो क्लिवेज का पैटर्न फरो बनने का जो पैटर्न होता है या प्लेन्स ऑफ क्लिवेज होता है वो अलग अलग स्पीसीज के अंदर अलग अलग होता है, लेकिन एक स्पीसीज के अंदर हमेशा समान रहता है। एज सच वेरियस पैटर्न ऑफ क्लिवेज आर फाउंड अमंग द एनिमल बेस्ड अपॉन द सिमेट्री, फोर पैटर्न ऑफ क्लिवेज हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड। सिमेट्री के आधार पर मुख्यतः चार प्रकार के क्लिवेज पैटर्न को ऑब्जर्व किया गया है जिन्हें हम देखते हैं। सबसे पहला पैटर्न है रेडियल क्लिवेज। इन दिस क्लिवेज पैटर्न डिविजन टेक प्लेस इन सच ए मैनर दैट ऑल द ब्लास्टोमियर्स आर प्लेस्ड इन अ रेडियली सिमेट्रिकल फैशन अराउंड द पोलर एक्सिस। इस प्रकार के क्लिवेज के अंदर बनने वाला जो भ्रूण का स्वरूप होता है उसे हम किसी भी डायरेक्शन में काटने पर हमें दो समान अर्ध भाग प्राप्त होते हैं। इनके क्रमिक विदलन जो होते हैं यानी कि क्लिवेज जो होते हैं वो सीधे होते हैं,
और विदलन की खाँच हर एक बार एक दूसरे को समकोण पर काटती है, यानी कि राइट एंगल पर काटती है। और वेन सच एन एग इज व्यू फ्रॉम द पोल, अगर इस प्रकार के एग को हम ऊपर से देखें या पोल पे से देखें, तो द ऑल द ब्लास्टोमियर्स आर सीन टू अरेंज इन द रेडियली सिमेट्रिकल फॉर्म। सारे के सारे ब्लास्टोमियर जो है वो रेडियली सिमेट्रिकल फॉर्म में अरेंज दिखाई देते हैं, यानी कि किसी भी डायरेक्शन पे हम उसे काटें वो हमें समान ही दिखाई देंगे। एग्जाम्पल हैं इसके स्पॉन्जेस, सिलेंड्रेट, सी अर्चन और सी कुकुम्बर इत्यादि। इसे हम देखते हैं, ये रेडियल फ्लेवेज है। यहाँ पे अंडे के अंदर ये दो प्रकार के अंडों के अंदर देखा जा सकता है, आइसोलेसिथल एग्स के अंदर या मीजोलेसिथल एग्स के अंदर। आइसोलेसिथल एग्स वो एग्स होते हैं जिनके अंदर समान रूप से योग का वितरण होता है, यानी कि सभी जगह समान मात्रा के अंदर योग उपस्थित होता है। मीजोलेसिथल एग्स जिनके अंदर अंडों में मध्यम मात्रा के अंदर योग या पितक की उपस्थिति होती है, जैसे कि एम्फीबियन एग्स। इन कोशिकाओं के अंदर रेडियल क्लीवेज को देखा जा सकता है। रेडियल क्लीवेज के अंदर हर एक बार क्लीवेज की जो फरो है वो एक दूसरे को समकोण पर काटती है, और ऊपर से देखने पर सभी कोशिकाएं हमें समान आकार की और आकृति की प्रतीत होती है। और यदि हम इस भ्रूण को किसी भी एंगल से काटेंगे तो हमें समान अर्धभाग प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के क्लीवेज को हम रेडियल क्लीवेज कहते हैं। मीजोलेसिथल एग्स के अंदर एम्फीबियन में भी इस प्रकार का क्लीवेज हमें दिखाई देता है। उसके पश्चात आता है हमारा बाई रेडियल क्लीवेज। इन दिस पैटर्न फोर ब्लास्टोमियर अराइजेस बाय द टू मेरिडाइनल क्लीवेज। दो मेरिडाइनल क्लीवेज होते हैं और उसके बाद थर्ड क्लीवेज जो होता है वो वर्टिकल होता है। तीसरा क्लीवेज का जो फरो होता है, दो मेरिडाइनल क्लीवेज यानी कि फ्रॉम द एनिमल पोल टू द वेजिटल पोल एंड पासिंग टू द मीडियन एक्सिस में होते हुए जाएंगे, और जो थर्ड प्लेन होगा क्लेवेज का वो वर्टिकल होता है, जिसकी वजह से कर्ड प्लेट ऑफ एट सेल आर अरेंज्ड। आठ सेल जो बनती हैं उनके अंदर दो रोज हमें दिखाई देती है, फोर सेल इन ईच रोज। और इन कोशिकाओं के अंदर जो सेंट्रल सेल्स होती है वो लार्जर होती है देन द एंड वंस। इस क्लीवेज को हम डायग्राम से देखते हैं, ये हमारा बाई रेडियल क्लीवेज। बाई रेडियल क्लीवेज जो है वो टीनोफोर्स और जैसे कि बेरोय के अंदर पाया जाता है। उसके बाद आते हैं हम स्पाइरल क्लीवेज के अंदर। स्पाइरल क्लीवेज इज अ डायगोनल टू द पोलर एक्सिस। पोलर एक्सिस के बनने वाला जो क्लीवेज फरो होता है वो डायगोनल एक्सिस पे होता है, यानी कि स्पिंडल जो है वो इंस्टीड ऑफ बीइंग इरेक्ट दे आर ओरिएंटेड डायगोनली। जो स्पिंडल फाइबर होते हैं उसको ये तिरछा तरीके से काटता है, जो क्लीवेज की फरो होती है वो तिरछी जाती है। इन दिस टाइप द स्पिंडल्स फॉर द थर्ड क्लीवेज इंस्टीड ऑफ बीइंग इरेक्ट आर ओरिएंटेड डायगोनली, सो दैट रिजल्टिंग अपर टायर ऑफ द सेल इज साइडवाइज। और जब बनने वाली कोशिकाएं होती हैं तो हमें ऊपर की कोशिकाओं के जो फरो होती है उसके बीच में कोशिकाएं हमें अरेंज दिखाई देती हैं। द अपर फोर सेल आर प्लेस्ड ओवर द जंक्शन बिटवीन द फोर लोअर सेल। ऊपर की चार कोशिकाएं नीचे की चार कोशिकाओं के जंक्शंस के ऊपर अरेंज दिखाई देती है। द अपर स्मॉलर सेल्स आर कॉल्ड माइक्रोमियर्स एंड द लोअर लार्जर सेल्स दे आर कॉल्ड एज मैक्रोमियर्स। जो नीचे की लार्जर सेल होती है उन्हें हम मैक्रोमियर्स कहते हैं, ऊपर की जो स्मॉलर सेल्स होते हैं उन्हें हम माइक्रोमियर्स कहते हैं। द स्पाइरल क्लीवेज रिजल्ट ड्यू टू द ऑब्लिक पोजीशन ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल। स्पाइरल क्लीवेज जो है वो माइटोटिक स्पिंडल के ऑब्लिक अरेंजमेंट की वजह से उत्पन्न होता है। एंड दिस टाइप ऑफ क्लीवेज इज कॉल्ड स्पाइरल बिकॉज फोर स्पिंडल ड्यूरिंग द थर्ड क्लीवेज आर अरेंज इन सॉर्ट ऑफ स्पाइरल। इसे हम स्पाइरल क्लीवेज इसलिए कहते हैं क्योंकि बनने वाले जो क्लीवेज के फरोज हैं, स्पिंडल जो हैं वो स्पाइरली अरेंज होते हैं। इसके एग्जांपल हैं एनलिट्स के एग्स, मोलस्क, निमर्टिन और सम प्लेनेरियंस। ये देखिए स्पाइरल क्लीवेज के अंदर बनने वाला जो ब्लास्टुला होता है उसके नीचे अंदर चार कोशिकाओं का जो जंक्शन है उसके ऊपर
अन्य चार कोशिकाएं जो है उन जंक्शन के ऊपर अरेंज होती है। ऊपर की चार कोशिकाएं जो होती है वो नीचे की चार कोशिकाओं से छोटी होती है। क्लीवेज के जो फरो होते हैं वो माइटोटिक स्पिंडल के डायगोनल फॉर्म होते हैं। स्पाइरल क्लीवेज के बाद में नेक्स्ट आता है बाइलेटरल क्लीवेज, यानी कि द्विपार्श्व सममित विदलन। इन दिस पैटर्न ऑफ क्लीवेज द ब्लास्टोमियर आर सो अरेंज्ड दैट द राइट एंड लेफ्ट साइड बिकम डिस्टिंक्ट। इस प्रकार के क्लीवेज में बनने वाला जो ब्लास्टुला होता है उसका राइट साइड और लेफ्ट साइड जो है वो हमें इसे हम इस प्रकार से काट सकते हैं कि ये इक्वल हाफ में डिवाइडेड रहता है, और सिर्फ एक ही प्लेन पर काटने पर इक्वल हाफ में डिवाइडेड रहता है। राइट हाफ और लेफ्ट हाफ जो है वो एक दूसरे के समान होते हैं। इन दिस केस टू ऑफ द फोर ब्लास्टोमियर मे बी लार्जर देन द अदर टू। इस प्रकार के ब्लास्टुला के अंदर चार कोशिकीय अवस्था के अंदर दो ब्लास्टोमियर जो है वो लार्जर होंगे और दो ब्लास्टोमियर जो है वो छोटे होंगे या स्मॉलर होंगे, दस एस्टेब्लिशिंग अ प्लेन ऑफ बायलेटरल सिमेट्री इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो। इसके एग्जांपल हैं निमिटोड, सिफेलोपोड्स, मॉलस्क एंड सम इकाइनोडर्म्स, ट्यूनिकेट्स, एम्फीबियंस एंड हायर एनिमल्स। हायर एनिमल्स के अंदर इस प्रकार का क्लीवेज पाया जाता है। ये बायलेटरल क्लीवेज है, इसके अंदर बनने वाले कोशिकाओं के अंदर दो पंक्तियों के अंदर विभाजित हो जाते हैं और बनने वाला द राइट हाफ इज इक्वल टू द लेफ्ट हाफ। सिर्फ एक ही प्लेन पर काटने के अंदर हमें दो समान हाफ नज़र आते हैं। उसके बाद आते हैं हम टाइप्स ऑफ क्लीवेज के ऊपर। किसी भी एग के अंदर कितने अमाउंट में योक उपस्थित है वो उसका क्लीवेज या विदलन का प्रकार जो है उसे निर्धारित करता है। इसके आधार पर अमाउंट ऑफ योक के आधार पर क्लीवेज जो है वो दो प्रकार से हो सकते हैं, होलोब्लास्टिक क्लीवेज एंड मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। होलोब्लास्टिक क्लीवेज जो है वो एलेसिथल, होमोलेसिथल, मेसोलेसिथल एग्स के अंदर पाया जाता है। दे शो रैपिड एंड कम्प्लीट डिविजन ऑफ द जायगोट आर कॉल्ड टोटल और होलोब्लास्टिक क्लीवेज। रिजल्टिंग एट ब्लास्टोमियर आफ्टर द थर्ड क्लीवेज मे बी इक्वल और अनइक्वल टू ईच अदर। जो लास्ट थर्ड क्लीवेज है उसके बाद में बनने वाली कोशिकाएं जो है वो उसके आधार पर क्लीवेज जो है वो इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है। इसे हम इस चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। होलोब्लास्टिक क्लीवेज के अंदर जो क्लीवेज की जो फरो होती है वो एग को पूरी तरीके से विभाजित करती है, यानी कि कंप्लीट डिवीजन जो है वो होता है। लेकिन कंप्लीट डिवीजन के होने के पश्चात जो बनने वाली कोशिकाएं होती हैं वो भी या तो आपस में समान हो सकती हैं। अगर कोशिकाएं आपस में समान होती हैं तो इस प्रकार के क्लीवेज को हम इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं। अगर बनने वाली कोशिकाएं आपस में समान नहीं होती हैं तो इस प्रकार के क्लीवेज को हम अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं। उसके बाद सेकेंड नंबर ऑफ क्लीवेज इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। इफ द ब्लास्टोमियर्स आर अप्रॉक्सिमेटली इक्वल देन दिस टाइप ऑफ क्लीवेज इज कॉल्ड एज इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। एग्जाम्पल हैं इसके इकाइनोडर्म, एम्फीऑक्सिस एंड प्लेसेंटल एनिमल्स। अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज इफ फोर अपर ब्लास्टोमियर्स आर स्मॉलर एंड द लोअर फोर आर ब्लास्टोमियर्स आर लार्जर देन दिस टाइप ऑफ क्लीवेज इज कॉल्ड एज अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। इसके एग्जाम्पल हैं फिश एंड एम्फीबियंस। देन मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, जो क्लीवेज की फरो है वो योक की अधिक उपस्थिति के कारण सिर्फ एनिमल पोल के ऊपर ही डिवीजन करती है। तो बनने वाले जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं वो सिर्फ एनिमल पोल के ऊपर उपस्थित होते हैं। क्लीवेज फरो जो है वो एग को इनकम्प्लीटली डिवाइड करती है। द क्लीवेज प्लेन्स डू नॉट पासेस थ्रू द डेंस योक सो ब्लास्टोमियर्स आर नॉट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। इसकी वजह से ब्लास्टोमियर जो हैं वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते हैं। इस प्रकार के क्लीवेज को हम मीरोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज जो है वो भी दो प्रकार से होता है, डिस्कोइडल क्लीवेज। अगर क्लीवेज जो है वो सिर्फ एक स्मॉल साइटोप्लाज्मिक कैप के रूप में एनिमल पोल के ऊपर रेस्ट्रिक्टेड रहती है तो इसे हम डिस्कोइडल क्लीवेज कहते हैं। रिजल्टिंग इन अ राउंड एम्ब्रियोनिक और जर्माइनल डिस्क दिस टाइप ऑफ क्लीवेज इज कॉल्ड एज डिस्कॉइडल क्लीवेज। इसका एग्जाम्पल है एग ऑफ लेस्मोब्रैंक्स,
बॉनीफिशेस, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ऐसे एग्स जिनके अंदर बहुत अधिक मात्रा में योक उपस्थित होता है, जिन्हें हम टीलोलेसिकल एग्स कहते हैं, उन कोशिका उन जंतुओं के अंदर, जैसे कि फिश, रेप्टाइल, बर्ड्स, उनके अंदर क्लिवेज जो है वो सिर्फ एनिमल पोल के ऊपर रेस्ट्रिक्टेड होता है, और बनने वाली कोशिकाएं या ब्लास्टोमियर सिर्फ एनिमल पोल के ऊपर पाई जाती हैं एक डिस्क रूपी संरचना के रूप में। इस तरीके के क्लिवेज को हम डिस्कॉइडल क्लिवेज कहते हैं। नीरोब्लास्टिक और इनकम्प्लीट क्लिवेज एंड द टाइप इज डिस्कॉइडल क्लिवेज। देन सुपरफिशियल क्लिवेज, इफ क्लिवेज इज रेस्ट्रिक्टेड टू द सुपरफिशियल और द पेरिफेरल लेयर ऑफ द साइटोप्लाज्म अराउंड द योक, देन दिस टाइप ऑफ क्लिवेज इज कॉल्ड एज सुपरफिशियल क्लिवेज। अगर सिर्फ साइटोप्लाज्म के ऊपर बीच के अंदर योक प्रेजेंट होता है और ऊपर की तरफ साइटोप्लाज्म उपस्थित होता है, और क्लिवेज की फरो जो है वो सुपरफिशियल लेयर के ऊपर प्रेजेंट होती है, तो इस प्रकार के क्लिवेज को हम सुपरफिशियल क्लिवेज कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है सेंट्रोलेसिटल एग्स। ये दिस इज द सुपरफिशियल क्लिवेज, जिनके अंदर क्लिवेज जो है वो सिर्फ परिधि यानी कि पेरिफेरल बाउंड्री के ऊपर प्रेजेंट होता है। टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच।